कंगना रनौत के खिलाफ की गई कार्यवाही के विरोध में अब कड़ी सेना भी सड़क पर उतर आई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय रावत की तस्वीरें जमीन पर रखकर जूते चप्पलों से कुचला और जमकर की नारेबाजी। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली रैली। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर खरगोन शहर में उनके फैंस में भारी रोष है। कर्णी सेना के लोग सैकड़ों की संख्या में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए और शिवसेना उद्धव ठाकरे संजय रावत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कर्णी सेना की खरगोन इकाई महिला व पुरुष दोनों आज जो महाराष्ट्र में कंगना रनौत का मकान तोड़ा गया, जो ऑफिस तोड़ा गया, उसके विरोध में ममता दीदी, राजेंद्र सिंह जी गौड़ और हम सब साथी लोग ज्ञापन देने आए हैं। हम जो ये जो महाराष्ट्र सरकार जो दमनकारी नीति चला रही है, उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। शाखाओं से गिर जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से कह दो औकात में रहें। कर्णी सेना इस अत्याचार का विरोध करती है कि एक महिला की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो अपनी सच बात बोल सकते हैं। एक महिला जो कि अच्छी अदाकारा है, जिसने झांसी की रानी जैसे फिल्मों में, मणिकर्णिका फिल्म में अच्छा रोल किया, सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न समय पर अपने अपनी मांगे उठाती रहती है, उसके साथ एक साधारण सी बात पे इतनी दुष्टतापूर्वक कार्रवाई करना सही मायने में देखे तो शर्म से झुक गया है सर, पूरे हिंदुस्तान का सर झुक गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बहुत शर्म की बात है कि उद्धव ठाकरे एक और संजय राउत इतनी छोटी हरकत पे उतर आए, इतनी घिनौनी हरकत पे उतर आए हैं कि किसी को बोलने भी नहीं दे रहेंगे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं करने दे रहेंगे और दमनकारी नीति चलाकर उसका ऑफिस तोड़ रहेंगे। उसको पहले तो शिवसेना उसका विरोध कर रही थी कि उसको बम्बई में नहीं आने देंगे, उसके बाद उसका ऑफिस तोड़ दिया। ये सरासर अन्याय है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसकी CBI जाँच हो और कौन दोषी है, और नगर मुंबई महानगर पालिका में कौन अधिकारी है जिसने आदेश दिया, उसकी तनख्वाह से इस जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत को, उसके तनख्वाह से इसको इसकी भरपाई किया जाए, उसका प्रोविडेंट फंड रोक दिया जाए जिसने भी ऑफिस तोड़ा आएगा, ताकि भविष्य में किसी की ऐसी कार्यवाही करने की, निंदनीय कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं हो। क्या नाम है आपका? कर्णी सेना। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह यादव। आज समर्थन में उतरे हैं कंगना रनौत के और संजय राउत और उद्धव ठाकरे के पोस्टरों पे लात नहीं चली है, क्या कहना? मेरा यही कहना है कि जो बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, वो शिवसेना अब कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये कोई शिवसेना ऐसी नहीं थी कि जो ऐसे पर्सनल मुद्दों पे या किसी चीज को लेके इस तरह की एक महिला के साथ ऐसी हरकत करे, या उसको बॉम्बे आने से रोक दिया जाए, या उसके घर पे इतना बड़ा BMC का बुलडोजर चलाया जाए। तब की 7 दिन की अवधि बगल में बने हुए जो ऑफिस है दूसरे फिल्मकारों के, उनको मिलती है, लेकिन उसको 24 घंटे की भी अवधि नहीं मिलती है अपने तरफ कार्रवाई करने की। इस चीज की हम घोर निंदा करते हैं और कर्णी सेना पूरी तरीके से कंगना रनौत के साथ है, समाज के हिसाब से भी और एक महिला होने के नाते भी हम कंगना रनौत के साथ है। मैं ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।